हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। मेथी फेनुग्रीक डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है। मेथी की चाहे पत्तियां हो, पाउडर हो या मेथी के बीज हो, ये डायबिटीज के मरीजों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में मेथी का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। मेथी डायबिटीज को नियंत्रित करने से लेकर कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, अर्थराइटिस, गाउट, हेयर फॉल जैसी अनेक समस्याओं में अत्यधिक फायदेमंद होती है। तो अगर आप भी मेथी का सही उपयोग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम मेथी का सही उपयोग, सही मात्रा और उपयोग करने का सही तरीका जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मेथी का दोषों पर प्रभाव की बात की जाए तो मेथी वात को शमन करती है, कफ दोष को दूर करती है और ज्वर को नष्ट करने वाली होती है। वैसे तो मेथी सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है, लेकिन पंजाब और कश्मीर के जंगलों में ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। आयुर्वेद में मेथी के क्या गुण बताए गए हैं? तो आयुर्वेद में बताया गया है मेथी वातानुलोमक होती है, आधमान हर अग्नि दीपक होती है, बल्य होती है, वृष्य होती है, वात हर दुग्ध वृद्धि कर और शोथग्न होती है। इन गुणों की वजह से मेथी पेट से संबंधित रोग जैसे अजीर्ण, इनडाइजेशन, अग्निमांद्य, आधमान, भोजन करने के बाद पेट का फूल जाना, भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होना, इन सभी समस्याओं में मेथी अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा वातज रोगों में जैसे जोड़ों का दर्द, वात रक्त यानी गाउट, आम वात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सभी में भी मेथी अत्यधिक उपयोगी होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ये ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। शरीर में आई किसी तरह की सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी मेथी दूर करने में काफी मदद करती है। इसके अलावा अगर डैंड्रफ की परेशानी है, हेयर फॉल हो रहा है तो मेथी का अगर नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो ये समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा मेथी डायबिटीज के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं अब मेथी का सही उपयोग, सही मात्रा क्या बताई गई है आयुर्वेद में और किस तरह से अगर इसका उपयोग किया जाए तो हमें अत्यधिक फायदा मिल सकता है और क्या मेथी को प्रयोग करने के कोई नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला उपाय, देखिए इसके लिए आपको सूखे मेथी दाने चाहिए जो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो लगभग 30 दाने एक छोटा चम्मच आपको रात में साफ पानी में भिगो देने हैं और सुबह उठकर खाली पेट आपको इस पानी का सेवन करना है, साथ में इन दानों को भी चबाकर खा लेना है। ये उपाय डायबिटीज के मरीजों के लिए अत्यधिक फायदेमंद उपाय है। अब इससे होगा क्या, तो इस उपाय से शरीर में बन रही ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ऐसा कैसे होता है? तो देखिए मेथी में फाइबर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही मेथी में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं दैट कैन इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा उपाय, इसके लिए आपको सेम तरीके से मेथी दानों को रात में भिगोना है, सुबह उठकर आपको इसका पानी अलग कर लेना है और फिर से इन मेथी दानों को 8 से 10 घंटे के लिए ढककर रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं तो ये एक तरह से अंकुरित मेथी दाने हो गए और ये अंकुरित मेथी दानों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इन अंकुरित मेथी दानों का सेवन आपके ब्लड में शुगर लेवल को अचानक से घटने और बढ़ने नहीं देता है, इसीलिए ये अंकुरित मेथी दाना डायबिटीज के मरीजों में अत्यधिक फायदेमंद होता है। डायबिटीज में मेथी का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी और फायदा पहुंचाने वाला होता है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लगभग एक चम्मच मेथी दाना पानी में उबाल लें अच्छी तरह से और इसको चाय की तरह घूट घूट करके अगर पिया जाए तो पीरियड्स में होने वाले पेन में बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा ये गठिया रोग के दर्द को और सूजन को दूर करने में भी काफी मदद करता है।
इसके अलावा देखिए, अगर डैंड्रफ की परेशानी है तो मेथी दानों को रात में भिगोकर अगले दिन सुबह इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाकर इसको पूरे स्कैल्प में अप्लाई कर दें अच्छी तरह से, और थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, आप इसको नॉर्मल पानी से अच्छे से साफ कर लें तो आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है ये दूर होती है। इसके अलावा मेथी का अगर आप नियमित रूप से प्रयोग करें, सुबह खाली पेट मेथी का सेवन करें, तो ये मोटापे को भी नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। मेथी शरीर से विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी काफी हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही मेथी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को मेथी का प्रयोग करने से दूर किया जा सकता है। मेथी में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो मेथी हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में भी काफी मदद करती है। इसके साथ ही मेथी दानों से बनाए गए लड्डू पोस्टनेटल यानी प्रसूता को अगर खिलाए जाएं तो उससे उसको भूख अच्छी लगती है, पेट अच्छे से साफ होता है। इसके साथ ही ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, अगर माँ मेथी दाने का प्रयोग नियमित रूप से करती है तो। आखिरी में जान लेते हैं मेथी दाने का प्रयोग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, मेथी की जो तासीर होती है ये गर्म होती है, इसलिए मेथी का प्रयोग हमेशा ही संतुलित मात्रा में करना सही रहता है। जैसे मैंने बताया, लगभग 25 से 30 दाने मेथी के एक दिन में लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप मेथी का प्रयोग करते हैं तो इसका लगातार प्रयोग नहीं करें, बीच बीच में 10 से 15 दिन का गैप जरूर करें और उसके बाद फिर दोबारा से इसका प्रयोग करना शुरू कर दें, तो इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए जरूर यूजफुल रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेथी के फायदों से अपनी सेहत को और ज्यादा बेहतर बना सके। चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।